टेंथ की पढ़ाई भी कितनी अपनी कर रखी हम लोगों के लिए मुझसे नहीं होता। क्या देख रही है चाचा? आयुष पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे माँ मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ, बस दोस्तों को कॉल करता हूँ उनकी ऑल द बेस्ट करने के लिए। और भाई कैसी चल रही है 10th की प्रिपरेशन? हेलो हाँ यार सच में इन लोगों ने घर पे मुझे कुत्ता समझ रखा है। अरे वो छोड़ो 10th के बाद मुझे प्रपोज करने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ भाई एक नंबर, फिर तो तेरी लाइफ सेट है यार। वैसे उधर को प्रपोज कब करने वाली है? उसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है तो वो मुझे उसी दिन प्रपोज करेगी। भाई आप समझे तुझे घर पर कुत्ता क्यों बना कर रखा है? क्यों भाई मैंने क्या किया? अरे तू भूल गया क्या 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे होता है। भाई बस ये 10th खत्म होने दो यार, फिर मेरा स्पोर्ट्स में बनने का सपना पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है तू कर लेगा। ओके ठीक है मैं फोन रखता हूँ अभी, जरा 10th की पढ़ाई करनी है। चलो बाय। अरे हाय कैसा है? अरे लॉकडाउन हो गया रे, हमारे तो सारे प्लान्स गए इस बार। ये कोरोना को सबकी वाट लगा दी है, देखते हैं क्या होता है। बाय द वे तुम्हारे बोर्ड्स कैसे गए? अरे यार पेपर्स तो बहुत इजी गए, लेकिन ना ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है सच में। मतलब ना पूरे प्लान्स बर्बाद हो गए वेकेशंस के। यार जाने दे क्या कर सकते हैं, होप सो ये जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे तो आयुष को कॉल पे देना अभी, बहुत दिनों के उससे बात नहीं की। आरोप करता हूँ। रे वो नहीं उठा रहा रे। हेलो आयुष बोल रहे है क्या? तुम बार बार उसे फोन करना बंद करो, वो अभी अपने रूम में थोड़ा डिप्रेस बैठा है, जब वो ठीक हो जाएगा तभी मैं उसको कॉल दे दूंगी। आंटी उसे फोन दो ना, हमें उसके साथ बात करनी है, उसके सैडनेस का रीजन जानना है। हेलो अरे यार मुझे नहीं बोलना यार आप लोगों से, पहले ही मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत कम है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जाओ कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, जाओ जाओ। हाँ आयुष बता ना क्या हुआ? अरे तेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, फ्रेंड्स मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बता क्या हुआ? अरे नहीं नहीं यार पर्सनल बात है ना। सॉरी यार सॉरी, जाओ जाओ तुम लोग जाओ यार, अभी नहीं बात करनी मुझसे। तो के बीच क्या पर्सनल, क्या हुआ है बता ना, इशू क्या है, इतना डिस्टर्ब क्यों है? तुझे कितने सारे कॉल किए बट तूने एक भी नहीं उठाया, क्यों? अरे यार वो मेरे पेरेंट्स है ना, वो फोर्स कर रहे हैं मुझे कि अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर, ज्वाइन कर क्लासेस वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर कर रहना है। वो बोलते कि वो स्पोर्ट्समैन का टेन्योर बहुत कम होता है इसलिए तू इंजीनियरिंग नहीं कर। ये क्या बात हो यार? अच्छा ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, इसमें नया क्या है? मुझे भी फेस करना पड़ता है। और मेरे कोच भी बोले थे कि अगर तूने प्रैक्टिस की ना तो बहुत अच्छे लेवल पे खेल सकता है, लेकिन ये लाइफ है ना यार कुछ करने देती भी नहीं। सी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि तुझे अपना करियर खुद डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके तू ही उसे बढ़ाने वाला है। देख तुझे जो फील्ड में इंटरेस्ट है ना और तुझे पूरी तरह से विश्वास है खुद पे कि तू फ्लरिश कर पाएगा उस फील्ड में, तो ही तू वो फील्ड चूज कर। क्योंकि ना फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब पहले MS धोनी रेलवे में भी नौकरी करते थे और क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को समझा कर पूरा फोकस क्रिकेट पे शिफ्ट कर दिया और फिर आज देखो कितने फेमस है।
हाँ अगर सोच, सचिन तेंदुलकर के पापा बोलते कि तू सिंगिंग में जा और लता मंगेशकर के पापा बोलते कि तू क्रिकेट ज्वाइन कर, तो सोच वो आज इस पोजीशन पे होते। ये देख, करियर सोचना है मतलब बहुत सोचना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे अवेलेबल है पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब यू कैन वर्क एज अ कमेंटेटर, वो भी बहुत अच्छा जॉब है। फिर उसके बाद यू कैन वर्क एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स ऑथर, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर यू कैन वर्क एज अ कोच, मतलब टिपिकल जॉब है ये, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हाँ यार, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, और थैंक्स बोलने के लिए। और हाँ सॉरी यार, मैंने बहुत गुस्सा किया यार, मेरा मूड बहुत खराब था यार, सॉरी। अरे दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू, अच्छा नहीं लगता वो। और हाँ अगली बार ना तो किसी कंफ्यूजन में हुआ ना तो प्लीज हमसे बात कर, हम तेरे लिए सॉल्यूशन निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आर हियर टू हेल्प यू एनी टाइम, ठीक है? या श्योर, हमारे दोस्त की मदद करने में हम पीछे नहीं हटते, और हम फ्रेंड्स को कुछ भी बोलो मगर हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हाँ बाय। क्या लाइफ है यार।